बिहार में निर्दलीय देवेंद्र बन रहे भाजपा के लिए रोड़ा। विधायक व भाजपा प्रत्याशी से नाराज चल रहा है रावत समाज। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ब्यावर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे मुख्य दल भाजपा व कांग्रेस की धड़कनें तेज होती जा रही है। ब्यावर क्षेत्र में करीब 52% रावत मतदाता अहम भूमिका अदा करते हैं। लगातार 2 बार विधायक रहे वह भाजपा से किस्मत आजमा रहे शंकर सिंह रावत की कार्यशैली से मगरा क्षेत्र का रावत समाज नाराज देखा जा रहा है। विधायक रावत के ग्रामीण क्षेत्र में रावत मतदाताओं की अनदेखी के चलते रावत समाज के देवेंद्र सिंह रावत को ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा समर्थन मिलता हुआ देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए होराइजन हिंद की टीम ने चुनावी चहलकदमी का आकलन किया तो रावत समाज के मतदाताओं ने खुलकर 2 बार रहे विधायक शंकर सिंह रावत के प्रति नाराजगी जताते हुए रावत समाज के आजाद प्रत्याशी देवेंद्र सिंह रावत को समर्थन देने की बात कही। ब्यावर का जो विधानसभा का विकास की जो गंगा है, भ्रष्टाचार जो वाकंठ में डूबा हुआ है, जो भू माफिया और ये जो दुर्योधन की भूमिका निभा रहा है, उसके विरुद्ध आवाज़ है। ये रावत समाज का तो हमने उदाहरण दिया कि उन्होंने टुकड़े कराए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वोटर्स की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है उनकी, और इस कारण इस बात को है। बाकी ये जातिगत आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है चुनाव, ये विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ा जा रहा है और गुंडागर्दी के खिलाफ। विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, क्यूँकी पारा गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में जहां 2 बार प्रत्याशी रहे और वर्तमान में विधायक शंकर सिंह रावत के खिलाफ उन्हीं के समाज के देवेंद्र सिंह रावत जो भाजपा के बागी के रूप में खड़े होकर उनकी राह कठिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्या कारण रहा कि आज भाजपा का एक क्षेत्र होने के बावजूद लोगों में रोष है? हम इस बारे में बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जग्गू भाई, पोस्टर लगाने वाला है। ब्यावर का हूँ, शंकर सिंह के पास ही रहता हूँ मैं, और हमने उनकी है ना गली भी सही नहीं करी शंकर सिंह की। बस कुल मिला के उनको रिपा भरना है, जमीने लेनी है, प्लॉट बनाना है, ये काम किया शंकर सिंह ने। भाई साहब, आप बताइए कि आपके क्षेत्र में अचानक आपकी शंकर सिंह के प्रति उदासी क्यों, जबकि आपके पूरा ये वोट बैंक माना जा रहा है, आपके पूरा हामी भरते थे वो, क्या ये रावत वोट बैंक हमारा विशेष वोट बैंक है? आपका शुभ नाम? यस जी, आप कहाँ के हैं? के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं कि लोगों में कैसा आक्रोश है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, है? आप अपने बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरी सिंह भाटी है, ग्राम पंचायत किशनपुरा का रहने वाला हूँ। और शंकर सिंह रावत ने 2 बार उसको विधायक बनाया अच्छे मतों से, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, उनके साथ टुकड़घात किया, उनका शोषण किया और लोगों के फर्जी मुकदमे जेलों में डालना, किसी को सरवण सिंह भाटी को जेल में डाला, किसी को मुकदमा थाने में फंसाया। इस अनदेखी के कारण हम देवेंद्र सिंह जी के सपोर्ट में हैं और इसको भारी मतों से जिताएंगे। देखो माहौल वातावरण आपको नजर आ रहा है, एक तरफा तो दिख रहा है कि देवेंद्र सिंह जी भाजपा के और संघ पृष्ठभूमि से हैं, परंतु आज के दौर में उन्होंने विधायक की कार्यशैली से रुष्ट होकर अपना एक दावा जता रहे कि हम जीत की ओर अग्रसर होंगे और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता भी उनके पक्ष में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। कैमरामैन प्रकाश भट्ट के साथ हेमंत साहू, हरिजन हिंद, ब्यावर।